और भारत के लिए एक और खतरा है, नार्को टेरर। इससे जो दंड प्राप्त होता है उसका उपयोग टेररिज्म में होता है, उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। आने वाली नस्ल तो हमारी बर्बाद होती ही है और देशों के युवाओं को उनकी जिंदगी बर्बाद होती ही है, परंतु साथ ही साथ हमारे यहाँ नार्को टेरर का खतरा भी बढ़ता है। और इसलिए आज यहाँ पर जो सेंटर फॉर एक्सलेंस बनाया गया है अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई है। सिग्नेचर प्रोफाइलिंग का शायद ही दुनिया में जितनी भी व्यवस्था है इसमें से ये एक तसुबर भी कम नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी लेबोरेटरी के समकक्ष व्यवस्था आज गुजरात में यहां पर बनी है। और मुझे बड़ा हर्ष है कि मोदी जी ने जो सपना देखा था आज मेरे हाथ से उसका उद्घाटन हो रहा है। इस केंद्र के अंदर औषधि और मन प्रभावी पदार्थों के पहचान, उसका मात्रात्मक अनुमान कंटेंट कितना है और इसका एकदम माइक्रो एनालिसिस करने की व्यवस्था है। ड्रग की सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी की जाएगी, ड्रग की भौगोलिक उत्पत्ति की पहचान भी की जाएगी कि अफगानिस्तान में बना है या पूर्व के देशों में इसका उत्पादन हुआ है। ढेर सारे टेस्ट करने के लिए एक स्वदेशी किट बनाने की दिशा में भी ये सेंटर काम करेगा, जो देश भर की पुलिस को ये किट उपलब्ध कराई जाएगी। जहां से भी नारकोटिक्स पकड़ा जाएगा वो किट स्पॉट पर ही टेस्टिंग कर आगे बढ़ाएगी और फिर एफएसएल लेबोरेटरीज के लिए भी कुछ किट्स बनाए जाएंगे और विभिन्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी। हम यहाँ से जो सूक्ष्म एनालिसिस करेंगे वो उनको उपलब्ध कराएंगे। हमने ढेर सारे नार्कोटिक्स के लिए व्यवस्थाओं में ढेर सारे बदलाव किए, कोऑर्डिनेशन से लेकर हायरार्की से लेकर कानून तक बदलाव करने जा रहे हैं। श्री अस्थाना जी यहां बैठे हैं, मुझे ये कहने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि विगत डेढ़ साल देश के नार्कोटिक्स को रोकने के अभियान में स्वर्णमयी कालखंड रहा है। सबसे ज्यादा ड्रग पकड़ने का विगत डेढ़ साल में भारत के अंदर रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। परंतु जब उसका एनालिसिस नहीं होता है, इसका साइंटिफिक एनालिसिस होकर उसको अलग रणनीति से रोकने का प्रयास नहीं होता है तो सिर्फ इस प्रकार के फिजिकल अभियानों से सफलता प्राप्त नहीं होती है। मित्रों, फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में ये स्थान, मुझे पूरा भरोसा है कि विश्व भर में आने वाले 4-5 साल के अंदर विश्व भर ने अपनी पहचान अभी भी बनाई है मगर और पुख्ता बनाएगा और विश्व में सर्वोच्च स्थानों में से एक स्थानीय होगा। और हम आगे इसको ले जाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कटिबद्ध है। और यहां पर जिस प्रकार की एक वर्ल्ड कल्चर बना है, कार्य संस्कृति बनी है, वो कार्य संस्कृति पर से मैं कह सकता हूं कि मोदी जी का भरोसा ये संस्थान निश्चित रूप से पार उतारेगा। इसमें मेरे मन में जरा भी शंका नहीं है। हम विश्व का सबसे अच्छा फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेंगे, इसमें मुझे जरा भी डाउट नहीं है। मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है कि मेरे मत क्षेत्र के आसपास ये सारी गतिविधियां हो रही है, तो यहाँ के सांसद के रूप में भी मैं बहुत आनंदित भी हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि इतना बड़ा फॉरेंसिक साइंस का ज्ञान का केंद्र मेरे मत क्षेत्र में हो रहा है। आज रथ यात्रा का दिन है, गुजरात और देश भर के सभी नागरिकों को मैं रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पूरे साल में आज किया ही दिन है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रोड पर रास्ते पर निकल कर नगरचर्या करते हैं, हमारी तकलीफों को, हमारे मनोभाव को जानने के लिए और हमारे मन को शांति पहुंचाने के लिए। रथ यात्रा के दिन को गुजरात और देश भर में बड़ा शुभ माना जाता है और शुभ दिन के रूप में कहते हैं कि उस दिन मुहूर्त देखने की कोई जरूरत ही नहीं होती, पूरा दिन ही मुहूर्त अच्छा मुहूर्त होता है, क्योंकि प्रभु स्वयं
रोड पर होते हैं, रास्ते पर होते हैं। तो आज के दिन ही ये सेंटर की स्थापना हुई है और मैं सभी को, व्यास जी को और उनकी पूरी टीम को और अस्थाना को भी, क्योंकि बाद में फॉलोअप उनको करना है, उनकी टीम को करना है, बहुत बहुत मन से शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा सारा लक्ष्य इस सेंटर को स्थापित करने का आप लोग के परिश्रम से सिद्ध हो और देश को जल्दी नार्कोटिक्स के एक प्रकार से सिकंजे से हम बाहर लेकर आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। भारत माता की जय।